हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास क्लियर कोट स्प्रे पेंट है जिसको मैं अपनी बाइक में अप्लाई करूंगा। क्लियर कोट बेसिकली एक लेयर होती है, जब हमारी बाइक पर पेंट होता है तो पेंट को प्रोटेक्शन और शाइनी करने के लिए उसके ऊपर क्लियर कोट की जाती है। लेकिन जब हमारी बाइक डेली बेसिस पर यूज होती है और उस पर स्क्रेचेस लगते हैं तो उसका क्लियर कोट रिमूव हो जाता है, जिसके बाद हमारी बाइक से शाइन निकल जाती है। तो उसी चीज को हम अपनी बाइक में अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी बाइक की सीट को निकाल लिया है और दोनों साइड के साइड पैनल को भी ओपन करना है, जिसके बाद टैंक के पीछे हमें एक बोल्ट मिल जाता है, उस बोल्ट को हमें ओपन कर लेना है और पेट्रोल की नॉब को ऑफ कर देना है और यहाँ से सारे पाइप को डिस्कनेक्ट कर लेना है, जिसके बाद टैंक इजीली बाहर निकल आए। हमें यहाँ से पेट्रोल वाले गेज का कपलर भी डिस्कनेक्ट कर देना है। टैंक निकलने के बाद हमें टैंक को पहले नेचुरल वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, यहाँ से डस्ट पार्टिकल जो भी हो सब निकल जाए। यहाँ पर मैं क्लियर कोट सिर्फ बाइक के ऊपर वाले सरफेस पर करूँगा, नीचे मैं सरफेस पर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले इसको यूज़ किया नहीं, मुझे नहीं पता है कि ये पेंट कैसा है, इसलिए मैं ऊपर के पार्ट पर ही अप्लाई करूँगा। आपको जितने पार्ट पर जिस पार्ट को पेंट नहीं करना है उसको आप पेपर से अच्छी तरीके से कवर अप कर दें, और जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको इसको पहले शेक कर लेना है और स्ट्रेट पकड़ कर स्प्रे करना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कोट कर दिया है, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शाइन दिख रही है लेकिन इतनी फिनिशिंग वाली शाइन नहीं है। यहाँ पर मैंने सेकंड कोट को भी अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पर 3 कोट करूँगा जिससे कि शाइन और भी अच्छे से आए। सूखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही गंदा फील दिख रहा है, पेंट पर बहुत सारे स्पॉट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे स्पॉट आ चुके हैं, इससे अच्छा तो पहले ही टैंक का कलर था। तो मैं आपको इस कलर को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है टैंक के ऊपर वाले पेंट की। तो यहाँ पर मैं इसको पेट्रोल डालूंगा, तो आप देख सकते हैं पेट्रोल से क्लियर कोट इजिली रिमूव हो रहा है। यदि आप नेचुरल भी इस क्लियर कोट को करते और अभी पेट्रोल टैंक पर आता तो क्लियर कोट आप देख सकते हैं कैसे ग्लू की तरह हो गया है। तो मैं यहाँ पर पेट्रोल डालकर सारा क्लियर कोट को वॉश कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं क्लियर कोट यहाँ से वॉश होने लगा है। मैं आपको बिल्कुल भी इस पेंट को रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये पेट्रोल से रिमूव हो रहा है और इस पेंट में इतनी कुछ खास साइन भी नहीं है। आप इस पेंट को अप्लाई करने से अच्छा यहाँ पर बिना लिया रेडियम से रैप करा सकते हैं। आप देख सकते हैं नेचुरल पेंट अभी बहुत ही अच्छा है और जब मैंने उसको अप्लाई किया था तो कितना गंदा फील आ रहा था।